गाइस, अगर आप लोग फ्री फायर में डायमंड के बारे में जानते हो तो लोकेश गेमर को अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो हमारे फ्री फायर के काफी बड़े कंटेंट क्रिएटर है एंड इनको फ्री फायर का डायमंड किंग भी कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई, आज मैं आप लोगों के सामने लोकेश गेमर का एक ऐसा सच्चाई खोल के रखने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। जी हाँ, ये बात सुन के आपको भी लगने लगेगा कि क्या सच में लोकेश गेमर इतना बेरहम था जिसने एक छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा कर्म किया। सबसे पहले तो आप लोग ये वाला क्लिप देख लो जिसमें लोकेश गेमर लाइव में सोलो रैंक पुश कर रहा था और तभी इसका फाइट हो जाता है क्योंकि लास्ट जोन आ चुका था, तो फाइट तो ऑब्वियसली होना ही था। फिर लोकेश गेमर इस बंदे के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन दूसरा बंदा आके लोकेश गेमर को मार देता है। और अब यहाँ पे आपको जो आरडीएक्स नाम का बंदा दिख रहा है ना, ये कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि लोकेश गेमर का काफी अच्छा फ्रेंड है, जो लोकेश गेमर को अच्छा ज्यादा सपोर्ट किया करता था और इनकी पहली मुलाकात यहीं से शुरू हुई थी। मैं आप लोगों को सब कुछ एकदम ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे पहले आप लोग इस बंदे का प्रोफाइल देख लो। ये बंदा आज से करीब 6 महीने पहले से ऑफलाइन पड़ा है, मतलब कि ये बंदा गेम तो नहीं खेलता था, बस कभी कभी अपने प्रोफाइल को ओपन करके देख लिया करता था कि कहीं मेरा आईडी तो बैन नहीं हो गया। लेकिन अब इसने इतनी अच्छी आईडी जिसका लेवल 67 है, 6000 प्लस लाइक है, उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो मेरे भाई, इसका कोई ना कोई तो 100% रीजन होगा ही, जिस रीजन के बारे में अब चलिए बातें करते। तो इस बंदे का नाम है अभी और ये बंदा राजस्थान का रहने वाला है, जो हैदराबाद हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था। तो इसको वहीं से लोकेश गेमर के बारे में पता चला। ये लोग उतना अमीर तो नहीं थे, बस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और अभी के पापा एक ऑफिस पे काम क्या करते थे। तो एक दिन जब अभी ने 5 क्लास पास किया तो अभी के पापा ने अभी का एडमिशन हैदराबाद हॉस्टल में कराने के बारे में सोचा, क्योंकि अभी के पापा के एक दोस्त थे जो थे तो राजस्थान के ही, बट उनका एक बेटा था जो पहले से हैदराबाद हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था एंड वो अपनी पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से कर रहा था, जो काफी अच्छा अच्छा मार्क्स लाया करता था। तो अभी के पापा ने भी सोचा, अगर मैं अपने बेटे को यही स्कूल पे पढ़ाऊंगा तो मेरा बेटा बिगड़ सकता है, क्यों ना इसको भी हैदराबाद हॉस्टल में रख के पढ़ा। फिर हुआ भी ऐसा ही, अभी के ना चाहते हुए भी अभी के पापा ने अभी को हॉस्टल में भर्ती करा दिया। और जब जाने की बारी आई तो अभी बहुत जोर जोर से रो पड़ा, जिसको रोते हुए देख के आसपास के लोग भी कहने लगे कि ऐसा मत करो, बेचारे को यहीं पे रहने दो। लेकिन अभी के पापा को अपने बेटे का फ्यूचर बनाना था, तो उन्होंने यही करना सही समझा और अपने बेटे को हॉस्टल में भर्ती करा दिया। हॉस्टल में जाने के बाद अभी को पहले पहले तो बहुत ज्यादा अपने पुराने पुराने दोस्तों का याद आने लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे अभी के बहुत सारे नए नए दोस्त बनते गए, जिसमें से एक टीचर भी थी जो अभी को बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। अब ऐसा वाला प्यार नहीं बल्कि अच्छा वाला प्यार, और वो सभी स्टूडेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से बातें किया करती थी, जिसको देख के अभी को बहुत ही अच्छा लगने लगा। और बाकी के जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोग धीरे धीरे अभी के बहुत ही अच्छे दोस्त बनने लगे। फिर ऐसे ही करते करते अभी ने 7 क्लास पास कर लिया और अपने पापा को कहा कि पापा मुझे एक फोन दिला दो जिससे मैं जब चाहूँ आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। तो अभी के पापा ने अभी को एक नोकिया फोन दिलाया जो कीपैड वाला था, और उसी से वो अपने क्लास खत्म होने के बाद अपने मम्मी पापा दोनों से हर रोज बातें किया करता था। हाँ, ये बात अच्छा था कि अभी के हॉस्टल में क्लास खत्म होने के बाद फोन चलाना अलाउड था, मतलब कि इनको क्लास खत्म होने के बाद 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता था जिस टाइम में इनको फोन चलाना होता था। तो इन लोगों को जैसे ही टाइम दिया जाता था तो ये लोग तुरंत जाके ऑफिस रूम से अपना अपना फोन लेके चलाया करते थे, फिर टाइम खत्म होने के बाद वापस ऑफिस रूम में जाके फोन जमा दे दिया करते थे। फिर एक दिन क्रिसमस का टाइम आया और क्रिसमस में सबको छुट्टी मिलती थी, तो अभी ने भी अपने पापा को बुलाया और वो क्रिसमस मनाने अपने घर में चला गया। तब एक दिन बाद अभी अपने कुछ गाँव के दोस्तों को देखता है कि वो लोग बहुत ही बड़े बड़े स्मार्टफोन लेके फ्री फायर खेल रहे, और तभी अभी अपने दोस्तों के पास जाके बोलता है कि भाई मुझे भी दो ना तुम्हारा फोन, मैं भी थोड़ा फ्री फायर खेल के देखता हूँ। तब अभी बिल्कुल नया नया मेहमान की तरह गांव में आया था, तो सबका एकदम ही प्यारा था और सभी लोगों ने ले ले बोल के अपना अपना फोन दे दिया। फिर अभी अपने दोस्तों के फोन में फ्री फायर खेलने लगा और खेलते खेलते काफी रात हो गया, क्योंकि अभी को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो वो खेलते गया और ऐसे ही करते करते रात भी हो गया। फिर वो दोस्त जिसने अभी को अपना फोन दिया था वो कहने लगा कि भाई मुझे अब मेरा घर जाना है, तू मेरा फोन दे दे। तब अभी बोलता है भाई थोड़ा रुकना, अभी मैच खत्म होने वाला है, जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर ले जाना। लेकिन उस बंदे को अपना घर थोड़ा जल्दी जाना था, तो वो जिद करने लगा। फिर अभी को भी गुस्सा आया और उसने उस फोन को नीचे फेंक दिया, जिसके वजह से वो फोन ही टूट गया। और जब उस बंदे की मम्मी को ये बात पता चली तो वो सीधा अभी के घर में आके अभी के पापा से झगड़ने लगी। अब ना चाहते हुए भी अभी के पापा को मजबूरन नया फोन खरीद के उस औरत को देना पड़ा और वो टूटा हुआ फोन खुद ही रखना पड़ा। फिर इसके बदले में अभी को भी अपने पापा की तरफ से पिटाई मिली, तो वो रात को ही अपने पड़ोसी के घर में भाग गया। और तब अभी ने अपने पड़ोसी को कहा था कि मैं यहाँ पे हूँ बोल के मेरे मम्मी पापा को मत बोलना, लेकिन उन लोगों ने चुपके से जाके अभी के मम्मी पापा को ये बात बता दी। तो अभी को बिना ढूंढे ही वो लोग सो गए। फिर अभी को लगने लगा कि मुझे मेरे मम्मी पापा शायद से प्यार नहीं करते, इसलिए तो उन लोगों ने मुझे इतनी रात को भी नहीं ढूंढा है। फिर वो अपने ही पड़ोसी के घर में सो गया और सुबह 3 बजे ही वो अपने हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मनी मन सोच रहा था कि जब मुझे मेरे मम्मी पापा प्यार ही नहीं करते तो मैं इन लोगों के पास क्यों आऊं। और इसी गलत फहमी के वजह से वो किसी को बिना बताए अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। वहाँ पे छुट्टी से पहले
अभी को देख के टीचर लोग भी एकदम से शॉक रह गए और उसे पूछने लगे कि क्यों, क्या हुआ, इतनी जल्दी तू यहाँ पे क्यों आया। और तब अभी ने टीचर लोगों को कुछ भी नहीं बताया तो उन लोगों ने अभी के पापा को कॉल करके बता दिया कि आपका बेटा हॉस्टल में आया हुआ है। फिर ये सुन के अभी के पापा भी शॉक रह जाते। और जब अभी के पापा हॉस्टल में जाके अभी को पूछते तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आके अपने पापा ने दिया हुआ फोन ही तोड़ देता है, जिसके बाद काफी ज्यादा फका फुसता के अभी के पापा अपने बेटे को घर ले आते और अभी के लिए एक नया फोन भी खरीद के देते। फिर अभी तो खुश हो जाता है, बट अभी के पापा के पास जितने भी पैसे थे सबके सब पैसे खत्म हो जाते, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते और उधार मांग के अपना घर चलाते। फिर ऐसे ही करते करते अभी की छुट्टी भी खत्म हो गई एंड वो अपना हॉस्टल चला गया। और वहाँ पे जाने के बाद अभी छुप छुप के फ्री फायर भी खेलने लगा और वो फोन भी जमा नहीं करता था। ऐसे ही टीचर को कह देता था कि मैंने फोन पहले जमा कर दिया है, बाकी फोन उसके बैग में ही होता था। एंड वो हमेशा रात को अपने बैग से फोन निकाल के फ्री फायर खेला करता था। फिर एक दिन सभी लोगों को हॉस्टल की तरफ से पिकनिक ले जाया गया और वहाँ पे दूसरे स्कूल के भी काफी सारे बच्चे आए हुए थे तो वो लोग भी फ्री फायर खेलते थे। और तभी बातें करते करते वो बच्चे लोकेश गेमर कहते हैं, तब अभी जाके पूछता है कि भाई ये लोकेश गेमर कौन है। और तब वो लोग बताते हैं कि लोकेश गेमर का घर यहीं पास में है, वो फ्री फायर खेलता है और वो फ्री फायर खेलने वालों को फ्री में डायमंड देता है। फिर अभी भी वहीं पे लोकेश गेमर को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर देता है एंड वो लोकेश गेमर का हर रोज रात को लाइव स्ट्रीम देखने लगता है कि कहीं मुझे डायमंड भी मिल जाए, क्योंकि तब अभी को बहुत ज्यादा डायमंड लेने का मन करता था, बट उसके पास ज्यादा डायमंड लेने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता था, तो इसलिए वो एक महीने में एक बार 80 का टॉपअप मारता था एंड डायमंड जमा किया करता था। लेकिन बेचारे को इलाइट पास भी लेने का बहुत ज्यादा मन करता था, बट पैसा ना होने के कारण वो इलाइट पास नहीं ले पाता था। फिर एक दिन लोकेश गेमर ने सबको टीम कोड देना शुरू किया और तब कई बार ट्राई करने के बाद लोकेश गेमर ने भी एक बंदे को किक कर दिया और ये भी लोकेश गेमर के टीम कोड में घुस गया। तब अभी मुझे डायमंड मिलेगा बोल के इतना खुश हुआ कि वो वहीं पे रो पड़ा। लेकिन लोकेश गेमर कहने लगा कि भाई तुम मेरे डिस्कॉर्ड पे आओ, बट प्रॉब्लम ये था कि अभी को डिस्कॉर्ड चलाना ही नहीं आता था, इसीलिए बेचारा वहीं पे कई देर तक रुका रहा। और लोकेश गेमर ने भी कह दिया कि तुम मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं तुम्हारी आईडी लेके सब कुछ टॉपअप कर दूंगा। फिर अभी जल्दी जल्दी मैं इंस्टाग्राम को डाउनलोड करके लोकेश गेमर को मैसेज करने लगा, लेकिन इसने फेक लोकेश गेमर को मैसेज किया और इसने उसे आईडी पासवर्ड भी दे दिया। और उस फेक लोकेश गेमर ने जब इसका आईडी ओपन किया तो शायद से उसे इसका आईडी पसंद नहीं आया होगा, इसलिए उसने स्कैम नहीं किया। फिर वो बंदा कहने लगा कि मैं हूं लोकेश गेमर, तुम मुझे 5,000 रुपए पैसा दो, मैं तुम्हारी आईडी पे सब कुछ निकाल के दे दूंगा। और तब अभी ने अपने पापा से मैं बीमार हूं कह के 5,000 रुपए मंगाया और उस बंदे को दे दिया। फिर उस बंदे ने अभी को ब्लॉक कर दिया। और बाद में जब अभी के पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को हॉस्पिटल से निकाल के काम पे लगा दिया, मतलब जिंदगी बर्बाद। तो अब आप लोग मुझे खुद ही कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे फेक लोकेश गेमर का गलती था या फिर रियल लोकेश गेमर का गलती था। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर रियल लोकेश गेमर का ही सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि कल तक मुझे भी डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता था, तो हमारे फ्री फायर में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम ये सब बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर खेलना जानते हैं। और अगर आप लोग गिव अवे के नाम पे कई सारे बच्चे को डिस्कॉर्ड पे जाओ इंस्टाग्राम पे जाओ कहते हो तो उनके साथ स्कैम तो होगा ही, तो इसमें मुझे सबसे बड़ा गलती लोकेश गेमर का ही लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाना चाहते हो तो जल्दी से शेयर कर दो शेयर के बटन में दबा के। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।